बड़ी खबर यही है कि कल पुलिस कर्मियों के बीच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हो गए और घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए एडीजी प्रशांत कुमार पहुंचे। साथ ही कई सारी बड़े नेताओं ने इस पूरी घटना पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वक्त की बड़ी खबर आप कानपुर से बता रहे हैं जहां पर पुलिस कर्मियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कल देर रात ये घटना हुई है जिसमें पुलिसकर्मियों की टीम ने दबिश देकर विकास दुबे नाम के जो एक अपराधी है उसे पकड़ने के लिए गई थी और वहां पर गोलीबारी होने के चलते 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। फिलहाल एडीजी प्रशांत कुमार इस पूरी घटना का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस पूरी घटना पर कई सारे बड़े नेताओं के ट्वीट आए हैं। कई सारे बड़े नेताओं ने बयान दिया है कि अब इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही जोड़ा जा रहा है। कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है पूरी घटना में। कानपुर का पूरा मामला है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस पूरी घटना की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से जहां पर कल रात एक बदमाश को पकड़ने विकास दुबे नाम के शातिर बदमाश को हिस्ट्री शीटर जो है। इसी के साथ शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ यूपी से। शाहिद जी, क्या कुछ ताजा मामला है वहां पर? कल ही इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है और जो निरीक्षण चल रहा है क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? अनन्या, आपको बताना चाहेंगे विकास दुबे के ऊपर 600 संगीन आरोप है, हिस्ट्री सीटर है। इससे पहले भी ये पूर्व राज्य मंत्री के थाने में घुस के हत्या कर चुका है, कई नेताओं की हत्या कर चुका है, कई ठेकेदारों की हत्या कर चुका है। पूर्व में ये प्रधान भी था, जिला पंचायत सदस्य भी था, कानपुर का रहने वाला था। इसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे जिसको देखते हुए अब पुलिस की पूरी टीम इसके घर पे इसकी गिरफ्तारी के लिए गई थी, जिसमें सीओ एसओ इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मचारी थे, इसको गिरफ्तार करने गए थे। मगर इसने अपने घर पे जेसीबी लगा के पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए हैं और लगातार अभी भी फायरिंग का दौर चल रहा है। विकास दुबे तो फरार है मगर उसके और साथी, उसके मामा फायरिंग में हत्या हो मर चुके हैं और कई और जो अपराधी हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग का शिकार हो रहे हैं और लगातार फायरिंग चल रही है, जिसका पूरा जायजा डीजीपी हितेश अवस्थी भी मौके पे हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर और कई पुलिस कर्मचारी मौके पे हैं और लगातार उसका जायजा लिया जा रहा है और लगातार विपक्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार पे हावी होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही, कई राजनेता ट्वीट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल हो रहा है। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है, वो लगातार इस पूरी घटना को नजर बनाए हुए हैं और आला अधिकारी को इसकी पूरी तरह इसका रिजल्ट लाने के लिए कहा है। 500 नंबर भी सर्विलांस पे लगाए गए हैं और लगातार इसकी धरपकड़ तेजी से हो रही है। अनन्या, साहिद जी एक और बात यह है कि उस वक्त जिस वक्त फायरिंग चल रही थी, क्या उस वक्त हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अपने घर में मौजूद थे? बिल्कुल अनन्या, पुलिस के पास मुखबिर होते हैं, मुखबिर के माध्यम से विकास दुबे घर पे था और तभी पुलिस गई थी और उसको गिरफ्तार करने गई थी। कोई उसको सूट एंड साइड का कोई आर्डर नहीं था पुलिस को, पुलिस तो उसको गिरफ्तार करने गई थी मगर विकास दुबे और उसके साथियों के तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसको देखते हुए जवाबी फायरिंग पुलिस ने की और पुलिस के ही साथी 8 इंस्पेक्टर सहित 8 लोग शहीद हो गए, कई लोग घायल हैं और विकास दुबे के भी के तरफ के लोग, उसके मामा वो फायरिंग में मर चुके हैं, कई साथी मर चुके हैं और विकास दुबे फिर से फरार हो गया है और पूरे आला अधिकारी कानपुर में है, पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है वो जो गांव है,
और जितने भी मोबाइल नंबर है सब सर्विलांस पे लगा दिए गए हैं, लगातार उसकी जांच हो रही है। और बहुत बड़ी दुखद घटना है कि पुलिसकर्मी जो है शहीद हुए हैं इस पे, जिसमें एक सीओ थे, एक एसओ थे, एक सब इंस्पेक्टर थे, 5 पुलिसकर्मी थे, 8 ये जो है शहीद हो चुके हैं, कई और घायल हैं। और ऐसे कई मामले हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, लाइन ऑर्डर पे विशेष ध्यान देते हैं, कोई भी अपराधी या घर में छुपा है या फरार है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, टीम बना के टीम जाती है, उसको गिरफ्तारी होती है, और इस तरह के पूरे मामले उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मगर कहीं ना कहीं विकास दुबे जो शातिर अपराधी है, इसने पूरे अपने जो दिमाग से लगा के इसको पूरी तरह घटना अंजाम दिया है, और जिससे जिसका खमियाजा उत्तर प्रदेश पुलिस को भोगना पड़ा है, 8 पुलिसकर्मी शहीद होने के माध्यम से, और लगातार इसकी धरपकड़ जारी है और लगातार लोग वहां पे हैं, और जो भी हिस्ट्री चेकर है उनके खून को टेस्ट किया जा रहा है और उनकी लगातार पकड़ जारी की जा रही है। साहिद जी, कल रात को जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद क्या कुछ एक्शन लिए गए अब तक? अनन्या, लगातार मैंने आपको बताया जितने भी विकास दुबे से रिलेटेड मामले थे उनको तत्काल फाइल खोली गई है, सभी के नंबर सर्विलांस में लगाए गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोग मुठभेड़ में मर चुके हैं विकास दुबे के माध्यम से, और खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी कानपुर में मौजूद हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार कानपुर में है, आईजी जोन और डीआईजी जितने भी आला अधिकारी है सब चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं, पूरे इलाके को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, एक एक चप्पे पे नजर है, कोई भी जो है अपराधी वो बच के नहीं जा पाए, या तो गिरफ्तार होगा या मुठभेड़ में मारा जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की बेपहल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सख्त आदेश है। जी धन्यवाद आपका शायरी तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर यही बता रहे हैं कि यूपी के कानपुर में कल रात पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, विकास दुबे नाम के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए टीमें गई थी और वहां पर मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों के 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हो गए गोलीबारी में। इसी के साथ आपको ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर